ये मान लो पर व्हीकल जो हमारा इस सर्कुलर में कर रहा है, ऐसे होता है ना ये तो हमेशा ट्रैक, तो मान लो उसका रेडियस यहां पर कर रहा था ये सर्कुलर, तो उसका रेडियस मान लो ये था आर, तो यहां पर क्या लग रही थी नॉर्मल, और ये क्या हो रहा था एन कॉस थीटा, और ये क्या था एन साइन थीटा। और ये था थीटा, ये एन, ये एम जी, और ये एन कॉस थीटा हो गया। हम एक्सिस कौन से ले रहे थे, ये वाले, तो अब क्या किया, और यहां पर सेफ स्पीड, यहां पे किसी भी आर रेडियस पे करें हम तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे ही घूम सकते हैं हम, और वो क्या आई थी आर जी टेन थीटा, जब फ्रिक्शन नहीं होता था तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ही तो घूम सकते हैं किसी भी आर पे, यहां घूमोगे तो एक छोटा आर होगा, यहां घूमोगे तो एक बड़ा आर होगा, लेकिन एक फिक्स वेलोसिटी वी से ही घूम सकते हैं, इससे कम ज्यादा कर देंगे उसी आर पे, अगर बढ़ानी है तो फिर ऊपर जाओ, कम करनी है तो नीचे आओ, लेकिन उसी आर पे अगर कम ज्यादा कर देंगे तो गिर जाएगा, अगर ज्यादा कर देंगे क्योंकि एन कॉस थीटा बढ़ जाएगा, एन बढ़ जाएगा एन कॉस थीटा बढ़ जाएगा, तो फिर वो ऊपर होके गिरेगा, और कम कर देंगे तो फिर वो स्लिप करके ऐसे गिर जाएगा क्योंकि एन कम हो गया। अच्छा, तो क्या था कि ये है थीटा, इक्वेशंस क्या थी एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी एंड एन साइन थीटा इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंटीपेटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर। ये था जब हम फ्रिक्शन नहीं था तो यही इक्वेशन सारी थी, भाई इसमें घूम करने के लिए पर्टिकुलर वेलोसिटी भी निकल रही थी, वो ये आ रही थी इन इक्वेशन से। अब क्या है कि फ्रिक्शन अवेलेबल है, अब मैंने वी को थोड़ा सा मान लो कम कर दिया, वी को मैंने इसको क्रिटिकल मान लो ना, क्योंकि ये फिक्स थी जब फ्रिक्शन नहीं था, इससे कम ज्यादा नहीं कर सकते उसी आर पे, तो ये एक ही वैल्यू है जिसपे वो सेफली तक घूम सकता है। अब मान लो मैं इसी आर पे थी ये वैल्यू, इसी आर पे मैं इससे थोड़ा सा कम कर लेता हूं, इसको जो v है वेलोसिटी ऑफ व्हीकल है वो मैंने कम कर दी, स्लाइटली कम कर दी vc से, तो क्या होगा, तो v ये वाली vc थी इससे मैंने कम कर दी, कम कर दी तो ये n कम हो गया, n कम हो जाएगा vc मैं कम कर दूंगा तो n कम हो गया, n कम हो गया तो ये वाली वैल्यू mg से कम हो गई, ये वाली mg जो है ज्यादा हो गया है cos थीटा से, तो इसकी अब ये नीचे आना चाहेगा, नीचे आना चाहेगा तो क्या होगा, नीचे आना चाहेगा ये तो इंक्लाइन प्लेन आ नहीं पाएगा, तो स्लिप करेगा ऐसे, तो स्लिप करेगा तो फिर फ्रिक्शन चाहता नहीं कि रिलेटिव मोशन हो, स्लिपिंग हो या स्किडिंग हो जो भी है, तो वो इसको रोकने के लिए ये इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, ऊपर की तरफ स्टेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये रोक पाएगा, फिर थोड़ा जी जी मैंने और बढ़ा दी तो एफ की वैल्यू और बढ़ जाएगी रोकने के लिए इसको, फिर ये यही रह जाएगा, फिर वी की वैल्यू मैंने और कम कर दी, सॉरी बढ़ा दी कम कर दी वीसी से और कम कर दी, तो फिर ये और नीचे गिरना चाहेगा तो एफ और बढ़ जाएगा, तो वी मिनिमम वैल्यू वो है जब ये एफ मैक्स पहुंच गया, एफ मैक्स एट वी मिनिमम। अब अगर मैं वी लेस देन वी मिनिमम कर दूं तो फिर ये मैक्सिमम फ्रिक्शन भी इसको रोक नहीं पाएगी नीचे गिरने से और ये गिर जाएगा, और एफ मैक्स की वैल्यू कितनी होती है मैक्सिमम, म्यू एस एन होती है ना, एन कितना है एम जी कॉस थीटा। अच्छा, अब इसमें इक्वेशंस लिख लेते हैं, इक्वेशंस क्या बन जाएंगे, अब इक्वेशंस बनिए, मैं अपने एक्स वाई एक्सिस में लिख रहा हूं, ये वाले एक्स वाई एक्सिस में लिख रहा हूं, तो अब ये नहीं, ये मैक्सिमम इसको रोक पा रहा है ना वी मिनिमम के लिए, ये वी मिनिमम पे जा रहा है, तो ये हो गया एन कॉस थीटा, या साइन वाली पहले लिखोगे तो एन साइन थीटा इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंटीपेटल फोर्स, लेकिन अब ये क्या है, ये भी थीटा है, तो ये म्यू एस एन कॉस थीटा माइनस भी हो जाएगा इसमें, एन साइन थीटा इधर और एफ म्यू एस एन
ये जो एफ मैक्स है ये कितना है म्यूएस एन और ये कॉस थीटा दिस दिस माइनस दिस तो नेट इधर आई यही तो सेंटीमीटर फोर्स दे रही है इज इक्वल टू एम ए रेडियल ए रेडियल इज ए रेडियल कहां पे है क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन वाला है तो वी मिनिमम होगा एम वी स्क्वायर मिनिमम बाय आर अच्छा ये तो होगी एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में क्या आएगी एक्सिस ये यूज कर रहा हूं एक्स एक्सिस में तो ये इक्वेशन होगी सेंटीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर दी वाई एक्सिस में क्या आएगी एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा म्यूएस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी ये बैलेंस है क्योंकि रोक पा रहा है ना गिरने नहीं दे रहा तो बैलेंस है फोर्सेस इधर वैसे थी सेंटीपेटल फोर्स थी तो वो लिख दिया था तो दिस इज बैलेंस अब क्या करें एन कॉस थीटा प्लस ये हो गया ना म्यूएस एन साइन थीटा इज एम जी डिवाइडिंग डिवाइड कर देते हैं वन बाय टू क्योंकि हमें तो वी मिनिमम निकालना है हमें क्या करना है कि वी मिनिमम और वी मैक्स निकालने हैं और उसके बीच में अगर हम वेलोसिटी रखेंगे तो ये गिरेगा नहीं वी मिनिमम से कम कर देंगे तो भी मैक्सिमम लग रही थी रोक नहीं पाएगी वी मैक्सिमम से ज्यादा कर देंगे तो भी फ्रिक्शन फिर इधर लगेगी वो देखेंगे अभी तो रोक नहीं पाएगी तो इसके बीच में ही सेफ है चलाना तो ये दोनों वैल्यूज निकाल लेते हैं कि कौन सी वैल्यूज है इनके बीच में सेफ है तो वी मिनिमम अब निकल जाएगा इन दो इक्वेशन से डिवाइडिंग वन बाय टू तो एन कैंसिल हो गया साइन थीटा आ गया वन बाय टू करेंगे तो एन एन तो कैंसिल हो जाएंगे साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन में आ गया कॉस थीटा माइनस एन तो कैंसिल हो गया म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम एम कैंसिल हो जाएंगे यहां पे और ये आएगा वी स्क्वायर मिनिमम अपॉन आर जी अच्छा इसको भी डिवाइड कर दो कॉस थीटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा तो ये बन गया टेन थीटा माइनस म्यू एस वन म्यू एस ही हो गए तो और ये वन माइनस वन ये प्लस था ना इधर प्लस तो वन प्लस म्यू एस कॉस थीटा से डिवाइड किया ना ये टेन थीटा ये कैंसिल हो गया कॉस थीटा ये वन और ये टेन थीटा बन गया टेन थीटा दिस इज वी मिनिमम वी स्क्वायर मिनिमम अपॉन आर जी यहां सॉल्व करेंगे तो वी मिनिमम कितना आ गया अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन वन प्लस म्यू एस टेन थीटा तो वी मिनिमम आ गया अब वी मैक्स निकाल लेते हैं वी मैक्स कैसे निकलेगा हम क्या कर रहे थे कि जो वेलोसिटी थी उसको अब मैं ज्यादा लेता हूं वीसी से जो वीसी थी हमारी किसी भी आर पे चलने के लिए वो क्या थी आर जी टेन थीटा क्रिटिकल क्यों बोल रहा हूं क्योंकि इसी आर पे कम ज्यादा करोगे तो गिरना है तो अब मैंने वी को थोड़ा सा बढ़ा दिया वीसी से तो वी को बढ़ा दूंगा तो वो इक्वेशन जो थी हमारी व्हेन नो फ्रिक्शन वॉज नीडेड वो क्या थी एन कॉस थीटा इज एम जी एंड एन साइन थीटा इज एम वी स्क्वायर बाय आर तो v को अगर थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो यहां n बढ़ जाएगा n बढ़ेगा तो ये वाली चीज mg से ज्यादा हो जाएगी तो इसकी टेंडेंसी कहां होगी ऊपर जाने की होगी ना तो इसको फ्रिक्शन कैसे रोकेगा ऊपर जाने से फ्रिक्शन अब नीचे की साइड लग जाएगा ऊपर की बजाय अब नीचे लग जाएगा नीचे लगने से क्या फायदा होगा कि ये थीटा तो एफ का एक कॉम्पोनेंट एफ साइन थीटा जो है इधर लग जाएगा और ये बैलेंस कर लेगा एन कॉस थीटा को जो एन कम हो गया था वी को सॉरी एन बढ़ गया था तो एन कॉस थीटा बढ़ गया था तो इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन नीचे लग जाएगा तो इसका एक कंपोनेंट एम जी को मिल जाएगा जिससे बैलेंस कर पाएगा तो इसलिए फ्रिक्शन अब नीचे लगा फिर मैंने वी को थोड़ा और बढ़ा दिया और बढ़ाने से क्या होगा वी और बढ़ा दिया तो एन और ज्यादा बढ़ गया ये और ज्यादा एम जी से ज्यादा हो गया तो फ्रिक्शन की वैल्यू को ये जो स्टेटिक फ्रिक्शन था ये और बढ़ जाएगा इसी तरह वी को और बढ़ा दिया तो वी मैक्स एक स्पीड आएगी जिस पे फ्रिक्शन भी मैक्स हो जाएगा एफ मैक्स एट वी मैक्स और अब ये फिर से रोक लेगा इसको क्योंकि एन बहुत ज्यादा बढ़ गया अभी भी ये मैक्सिमम वैल्यू करके अपनी इसको रोक लेगा
अब अगर वी को वी मैक्स से ज्यादा कर दू तो फिर ये मैक्सिमम फ्रिक्शन भी नहीं रोक पा रहा, क्योंकि ये तो मैक्सिमम लिमिट आ गई इसकी, इससे ज्यादा ये हो नहीं सकता। और अब एन कॉस थीटा एफ मैक्स साइन थीटा प्लस एम जी से ज्यादा होके उड़ जाएगा और गिर जाएगा तो स्किडिंग हो जाएगी। तो एफ मैक्स अब इधर है और एफ मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, म्यू एस एन। तो अब जब इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगी, एन साइन थीटा प्लस, अब ये प्लस हो जाएगा क्योंकि म्यू एस एन कॉस थीटा हो जाएगा, ये इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ये मैक्स हो जाएगा। अच्छा ये वाली इक्वेशन कैसे हो जाएगी, एन कॉस थीटा ये बैलेंस्ड है तो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी और प्लस आएगा यहां पर, यहां पर प्लस कितना हो जाएगा, म्यू एस एन साइन थीटा, ये म्यू एस एन साइन थीटा हो जाएगा इधर, म्यू एस एन साइन थीटा, ये दोनों इक्वल टू एन कॉस थीटा। तो मैं म्यू एस एन साइन थीटा जो प्लस था उसको इधर लिया है तो माइनस हो गया। अब फिर से डिवाइडिंग वन बाय टू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया यहां पे और ये माइनस हो गया, और वी मिनिमम निकालेंगे तो बस साइन चेंज हो जाएगा खाली और ये वी मैक्स आ जाएगा। तो ये वी मैक्स भी निकाल लिया हमने। तो जब वी मेरा वी मिनिमम और वी मैक्स के बीच में होगा तो फ्रिक्शन की वजह से ये सेफली टर्न कर पाएगा, हमें एक रेंज मिल गई। अब पर्टिकुलर एक वैल्यू जरूरी नहीं कि हम इसी पे चलेंगे तो सेफ रहेंगे, इससे कम ज्यादा करेंगे तो गिर जाएंगे। फ्रिक्शन की वजह से अभी एक रेंज मिल गई, इसी आर पे इस रेंज पे चलो तो सेफ रहेगा, तो ये फ्रिक्शन का फायदा हुआ। अच्छा अब इसमें क्वेश्चन दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं, ये तो हो गया कि भाई म्यू एस दे रखा है और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ जिसके बीच में सेफली वो चल पाए। सेकेंडली क्या पूछ सकते हैं कि वेलोसिटी दे दे, मान लो कोई वेलोसिटी दे दी कुछ भी 7 मीटर पर सेकेंड या कुछ भी दे दी और पूछे कि बताओ इस पे ये सेफली चल पाएगा या स्किड करेगा, अब कैसे करें। तो हम मान लेते हैं कि भाई ये सेफली चल रहा है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये सेफली चल रहा है और फिर फ्रिक्शन को कहीं भी मान सकते हैं, स्टेटिक फ्रिक्शन सेफली चल रहा है, पहली बात तो ये, अगर सेफली चल रहा है तो स्टेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, सेफली नहीं होता स्किडिंग होती है तब काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। तो हमने अज्यूम किया कि ये सेफली चल रहा है, सेफली चल रहा है तो स्टेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, स्टेटिक फ्रिक्शन जरूरी थोड़ा ना मैक्सिमम लग रहा हो, तो एफ लग रहा होगा तो एफ को मैं यहां भी मान सकता हूं और यहां भी मान सकता हूं स्टेटिक फ्रिक्शन को, और फिर कहीं पर भी मान के उसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब इसकी जगह हमारा एफ आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस देख लेंगे, ऊपर माना है या नीचे माना है उस हिसाब से प्लस माइनस हो जाएगा, एफ कॉस थीटा या साइन थीटा ऐसे बनेंगे और एफ की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें वी तो गिवन है वो वी यहां पुट कर देंगे तो एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर एफ नेगेटिव आ गया, इफ एफ इज नेगेटिव, कहीं भी मान लो एफ ऊपर नीचे अगर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन एज्यूम की थी वो गलत की थी, मतलब ऊपर एज्यूम किया था तो एफ कहां लग रहा था, स्टेटिक फ्रिक्शन नीचे लग रहा था। उसके बाद जो एफ आया उसकी मॉड की जो वैल्यू है नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है उसका मॉड अगर लेस देन आ जाए एफ मैक्स से, एफ मैक्स कितना होता है यूएस है, अगर ये लेस देन आ जाए इसका मतलब स्किडिंग नहीं थी और यही फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था, स्टेटिक फ्रिक्शन, ये जो भी आया था एफ नेगेटिव आया हो या पॉजिटिव आया हो, नेगेटिव का मतलब तो इतना है कि डायरेक्शन गलत मानी है, बाकी उसकी वैल्यू वही है। तो अगर ये लेस आ जाए इसका मतलब स्टेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था, इसका मतलब सेफली चल रहा था और वही वैल्यू जो हमने निकाली, और अगर ये वैल्यू एफ मैक्स से ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब अवेलेबल फ्रिक्शन कम है तो और रिक्वायरमेंट जो है सेफ चलने के लिए वो ज्यादा है, इसका मतलब स्किडिंग हो गई, स्किडिंग हो गई तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी म्यू के एन। तो बेसिकली क्या हम किसी भी डायरेक्शन में मान के एफ और हम निकाल लेंगे, इक्वेशन यही रहेंगी, एफ कॉस थीटा या साइन थीटा जो भी आप देखेंगे, यहां से यहां माना है तो एफ कॉस थीटा, यहां माना है तो एफ साइन थीटा, और ये मतलब यहां एफ साइन थीटा आ जाएगा और एफ निकालने और वी जो गिवन है वो यहां पुट हो जाएगा। तो अगर ये मॉड ऑफ एफ एफ मैक्स से ज्यादा आ जाए इसका मतलब स्किडिंग हुई है क्योंकि अवेलेबल फ्रिक्शन उतना है ही नहीं जो रोक पाए इसको, और अगर मॉड ऑफ एफ लेस आ जाए तो इसका मतलब सेफली चल रहा है वो और वही वैल्यू उसकी, नेगेटिव आया है तो नीचे, मान लो इधर इधर माना हमने और नेगेटिव आ गया इसका मतलब नीचे एक्ट कर रहा था, नीचे माना और नेगेटिव आ गया इसका मतलब वो ऊपर था एक्चुअली, तो बस ये नेगेटिव पॉजिटिव तो डायरेक्शन बता देगा उसकी और उसका मॉड कम होगा तो सेफली चल रहा था और वही वैल्यू है स्टेटिक फ्रिक्शन की,
और अगर कम आया ज्यादा आ गया तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा और उसकी वैल्यू इतनी है, और वो स्किड कर रहा होगा, सेफ नहीं है, वो गिर जाएगा।